नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राणनाथ चंद्रा और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक परिचय जो एक सामान्य इंसान को पता होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है कंप्यूटर। ये कॉमन सा चीज है, ये आप सबको पता ही होगा और आपने कई बार इसे देखा होगा। लेकिन अक्सर हम लोगों से ये पूछा जाता है कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है या कंप्यूटर किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की परिभाषा ये है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे इनपुट के रूप में जानकारियां लेती है और उन जानकारियों का प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट के रूप में जानकारी प्रदान करती है। इसे ही हम कंप्यूटर कहते हैं। तो ये तो थी कंप्यूटर की एक सिंपल डेफिनेशन, ठीक है, जो आप सबको पता होना चाहिए। अब मैं आप लोगों को कंप्यूटर के अलग अलग पार्ट के बारे में बताने वाला हूँ। ये जो आप स्क्रीन जो देख रहे हैं ये है कंप्यूटर। कंप्यूटर का मॉनिटर, इसे हम कहते हैं मॉनिटर। और ये सीपीयू, इसे सीपीयू कहा जाता है। और ये है कीबोर्ड, ठीक है, इसे हम कीबोर्ड कहते हैं। और ये है माउस। और इन सब से मिलके हमारा कंप्यूटर बना होता है। तो ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, उनके हार्डवेयर से है। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि कंप्यूटर का उपयोग हम किस किस जगह पे करते हैं और मुख्यतः कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है। तो अभी तो वर्तमान में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बच गया है जहां पे कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता है। हर फील्ड में कंप्यूटर का उपयोग होता है, लेकिन कुछ फील्ड के नाम हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। जैसे कि मौसम विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर का उपयोग करके हम पहले से बता सकते हैं कि बारिश कब होने वाली है, कब नहीं होने वाली है, कब धूप निकलने वाला है, कितना धूप निकलने वाला है, कब तूफान आएगी, ये सारी चीजें। उसके बाद बैंक के क्षेत्र में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अक्सर आप लोग बैंक गए होंगे और जब भी आप बैंक जाते होंगे तो देखते होंगे वहां के सारे इम्प्लॉई कंप्यूटर पे ही काम करते रहते हैं। यूनिवर्सिटी या एजुकेशन के क्षेत्र में या रिसर्च के फील्ड में भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर की सहायता से कैलकुलेशन करना काफी आसान हो जाता है। कम्युनिटी एक्सचेंज यानी कि शेयर मार्केट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा और देखा भी होगा। तो वहां पे आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि वहां के सारे इम्प्लॉई कंप्यूटर से काम करते हैं और कंप्यूटर से ही स्टॉक मार्केट को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये तो थी एक स्टॉक मार्केट की बात। खेती किसानी के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। सुपरमार्केट, जब भी आप कुछ खरीदारी करने के लिए मॉल या बिग बाजार वगैरह में जाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वहां पे किस तरह से कंप्यूटर के जरिए बिलिंग होती है और सामान का जो बिल रहता है वो कंप्यूटर से बनाया जाता है। तो सुपरमार्केट्स में भी कंप्यूटर का आजकल उपयोग होने लगे हैं। गांव में भी कई ऐसे सेंटर्स होते हैं जहां पे आपको कंप्यूटर का उपयोग करने या कंप्यूटर का उपयोग करते हुए दिखाई देते हैं। तो गांव में भी आजकल कंप्यूटर का उपयोग होने लगा है। गवर्नमेंट सर्विसेज जैसे कि स्कूल हो गया, गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, या बड़े बड़े गवर्नमेंट के जो ऑफिस बने हुए हैं वहां पे भी हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। तो आज के डेट में कोई भी ऐसा सेक्टर नहीं बचा है जहां पे कंप्यूटर का उपयोग न हो रहा हो। ठीक है, तो सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है और आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। आप जिस सेक्टर का नाम लेंगे उस सेक्टर में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। एरोप्लेन या एयरलाइंस के फील्ड में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, रेलवे में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है, मेडिकल के क्षेत्र में भी कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर के बेसिक पार्ट। तो कंप्यूटर मुख्यतः दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। तो जनरली आप लोगों से ये पूछा जाता है कि हार्डवेयर किसे कहा जाता है, सॉफ्टवेयर किसे कहा जाता है, और कई सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इसलिए मैंने ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पार्ट या दोनों चीजें एक साथ बनाई है ताकि आप उसको कंपेयर करके बड़ी आसानी से समझ सकें। तो हार्डवेयर को सबसे पहले देखते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के वे भौतिक पार्ट हैं जिसे हम बड़ी आसानी से छू सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के हार्डवेयर, जैसे कि मॉनिटर, ये रहा प्रिंटर, कीबोर्ड, माउस, डीवीडी ड्राइवर, पेन ड्राइव, सीडी डिस्क, स्कैनर। तो ये सारे पार्ट कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं? हार्डवेयर कहलाते हैं। और सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट है जिसे हम छू नहीं सकते पर उसके परिणामों को महसूस कर सकते हैं। वो क्या कहलाते हैं? कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। इसके अंतर्गत आपके आते हैं, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आता है,
आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आते हैं, ब्राउजर और वर्ड, एमएस ऑफिस, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब रीडर, जितने भी सॉफ्टवेयर या जितने भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के अंदर उपयोग करते हैं वो सारे सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। अब हार्डवेयर को आप और डीप जानना चाहते हैं तो यहाँ पे उसके सारे इमेज दिया हुआ है। ये है मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर और ये रहा सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर में होता है एसएमपीएस या पावर सप्लाई के नाम से ही उसी को जाना जाता है, डीवीडी ड्राइवर। ये मेन बोर्ड लिखा है, इसे हम मदरबोर्ड के भी नाम से जानते हैं। मदरबोर्ड के बारे में हम आगे आपको और डीप जानकारी देंगे। सीपीयू होता है, सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। और रैम होता है, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, साउंड कार्ड और इस तरह से बहुत सारे पार्ट जो कंप्यूटर में लगे होते हैं, जो भौतिक पार्ट जिसे आप छू सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर कहलाते हैं। उसी तरह से जब हम सॉफ्टवेयर के साइड में जाते हैं तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर रहता है, सॉफ्टवेयर का डेफिनेशन तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट जिसे हम छू नहीं सकते पर उसके परिणामों को महसूस कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर को हम देख सकते हैं सॉफ्ट रूप में, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर की जब हम बात करते हैं तो सॉफ्टवेयर दो टाइप का होता है, पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो पार्ट, पहला पार्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो बनाया जाता है कंप्यूटर को चलाने के लिए, ठीक है। इसके अंतर्गत आपका आता है ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम्स। ये तीनों जो प्रोग्राम है वो कहलाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर और इसे ही हम ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा इसका पार्ट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वो सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जिनका उपयोग आप कंप्यूटर को चलाने के लिए करते हैं या कंप्यूटर में कोई भी काम करने के लिए करते हैं, जैसे कि एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, या वीडियो देखने के लिए आप जो विंडो मीडिया प्लेयर यूज करते हैं, गाना सुनने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, या कोई भी काम करने के लिए जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर के अंदर उपयोग करते हैं वो सारे कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब हम देखने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क। एक जनरल सा क्वेश्चन होता है कि नेटवर्क क्या होता है या कंप्यूटर नेटवर्क किसे कहा जाता है, तो इसका जो आंसर है वो बड़ा सामान्य सा आंसर है कि जब हम दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देते हैं, और जोड़ने के बाद सिर्फ जोड़ने से काम नहीं चलेगा, जब दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है तो इसे ही हम नेटवर्क कहते हैं। तो ये नेटवर्क का एक सामान्य सा डेफिनेशन है। जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो मुख्यतः तीन टाइप का होता है, एक होता है लैन, दूसरा होता है मैन और तीसरा होता है वैन। इन तीनों का ग्राफिकल इमेज यहाँ पे बना हुआ है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। जब छोटे से एरिया में कुछ लिमिटेड कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है और उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान होता है तो उसे हम लैन कहते हैं। मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। जब हम किसी शहर के अंदर, किसी छोटे से शहर के अंदर बहुत सारे कंप्यूटरों को आपस में जोड़कर उनके बीच सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम कहते हैं मैन या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और उसके बाद होता है तीसरा जो नेटवर्क प्रकार है वो है वैन। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। जब हम पूरे वर्ल्ड वाइड या बहुत बड़े या लार्ज मात्रा में कंप्यूटरों को आपस में जोड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं और उसके भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं तो उसे हम कहते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। इसके अंतर्गत आप इंटरनेट को भी काउंट कर सकते हैं क्योंकि इंटरनेट एक वैन है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को ये नेटवर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोगों का अगला टॉपिक है सर्वर। सर्वर क्या होता है, तो सर्वर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है सर्वर का एक इमेज है। सर्वर एक तरह का मेन कंप्यूटर होता है जो बहुत सारे छोटे छोटे कंप्यूटरों को सूचना प्रदान करता है, उसे ही हम कहते हैं सर्वर। यह आपको बड़ी आसानी से बैंक में देखने के लिए मिल जाएगा। जब भी आप बैंक में जाते हैं तो वहां पे एक मुख्य कंप्यूटर होता है और बाकी क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, और सारे के सारे क्लाइंट कंप्यूटर सर्वर से जुड़े होते हैं, और सर्वर ही उन सारे क्लाइंट कंप्यूटर्स को जानकारी प्रदान करती है, और सर्वर इस तरह से दिखता है। तो सर्वर एक तरह का मुख्य कंप्यूटर होता है जो छोटे छोटे क्लाइंट कंप्यूटर को जानकारी प्रदान करता है, उसे ही हम कहते हैं सर्वर।
हमारा अगला टॉपिक है वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? तो देखिए, वर्क स्टेशन डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में उसकी मीनिंग्स बदल जाती है। चूंकि अब हम कंप्यूटर के बारे में स्टडी कर रहे हैं या कंप्यूटर के बारे में जान रहे हैं, तो कंप्यूटर के फील्ड में वर्क स्टेशन का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहां से हम किसी फील्ड के या किसी शहर के या किसी कंपनी या इंडस्ट्री के सारे कंप्यूटरों को कंट्रोल करें या उनकी मॉनिटरिंग करें, उस जगह को हम कहते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन एक प्लेस होता है जहां से हम बाकी सारे कंप्यूटरों को या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को कंट्रोल करते हैं, उसे हम कहते हैं वर्क स्टेशन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट। इंटरनेट क्या है? जनरली आप लोगों को ये सवाल अक्सर सुनने को मिल जाता है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट का यूज अक्सर सभी करते हैं, इंटरनेट को जानते सभी हैं, पर उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि इंटरनेट क्या है। इंटरनेट एक तरह से सूचना का विशाल संग्रह है जो बहुत सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ के रखता है और हमें जरूरत के हिसाब से जानकारी प्रदान करता है, उसे ही हम कहते हैं इंटरनेट। इंटरनेट कोई एक चीज से मिलकर के नहीं बना होता है। इंटरनेट कोई छोटी सी चीज नहीं है या कोई एक कंप्यूटर सिस्टम अपने आप में इंटरनेट नहीं कहलाएगा। इंटरनेट बहुत सारे सर्वरों को आपस में जोड़ के रखता है, नेटवर्क बना के रखता है, और हमारा कंप्यूटर भी उसी नेटवर्क से जब जुड़ जाता है तो वो क्या कहलाता है? इंटरनेट कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वर्ल्ड वाइड इंटरनेट सारे कंट्रीज को जोड़ के रखा हुआ है और सारी जानकारियां एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री पास करते जा रहा है, तो इसे ही हम कहते हैं इंटरनेट। और जब हम इस इंटरनेट से जुड़ जाते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, तो हम भी उन जानकारियों को इंटरनेट से एक्सेस कर पाते हैं या इंटरनेट में हम जानकारी डाल पाते हैं। तो ये तो थी इंटरनेट। अब एक दूसरा टर्म आता है इंटरनेट। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरनेट और इंट्रानेट में, तो यहाँ पे मैंने दोनों को कंपैरिजन फॉर्मेट में बनाया है तो आपको समझने में आसानी होगी। इंटरनेट तो एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क का समूह है जहाँ पे सारी सूचनाएं रखी जाती है, उसे हम कहते हैं इंटरनेट। लेकिन इंट्रानेट जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं इंट्रानेट, इंट्रानेट इंटरनेट का ही एक छोटा रूप है। क्या है? इंट्रानेट इंटरनेट का ही एक छोटा रूप है जो किसी विशेष काम के लिए बनाया जाता है। इसे जनरली कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था अपनी पर्सनल उपयोग के लिए इसे क्रिएट करती है, इसे बनाती है। तो इंट्रानेट एक छोटा सा नेटवर्क होता है जो किसी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन द्वारा अपनी पर्सनल उपयोग के लिए बनाया जाता है, इसे ही हम इंटरनेट कहते हैं। यह लगभग लगभग इंटरनेट की तरह ही होता है, पर इसका साइज इंटरनेट के कंपेयर में बहुत छोटा होता है, इसी ही हम इंटरनेट कहते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है यहीं पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।